नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे SBI क्लर्क 2019 की वैकेंसी आ चुकी है और देखें तो आपको काफ़ी बड़ी वैकेंसी 8600 पद हैं इसके लिए और इसको SBI क्लर्क को जूनियर असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसकी वैकेंसी है और इसकी 3 मई 2019 की लास्ट डेट है। क्या कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ फीस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मिलती है सारी अपडेट, जैसे SBI का अब जिसका एडमिट कार्ड आएंगे, इसकी कैसे क्या तैयारी करनी है, इसका जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है वो कंप्लीट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती है और उसको हम डेली अपडेट करते हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखें, ये SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। SBI का आप देखें तो काफ़ी इसके नाम से बहुत सारे फेक रिक्रूटमेंट भी होते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। SBI की वेबसाइट पे जाएंगे तो कैरियर का है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ये क्लर्क की वैकेंसी के लिए है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए, और ये 3 मई 2019 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में। तो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, तो इस तरह का आपको ये IBPS का एक तरह से जिस इंटरफेस होता है वो खुल जाएगा। तो इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा क्लिक करके पूरा अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप उसका प्रिंटआउट लेना है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये वर्ड डाल के इसमें अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो इसकी डेट्स कौन कौन सी हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। तो इसके फॉर्म फिल करना 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 मई तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो वही उसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग है सब कुछ, तो आपको 3 मई से पहले ही फिल कर देना, क्योंकि कई बार सर्वर इशू भी रहता है। तो इसकी मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, वो सारी कंप्लीट डिटेल्स मैं उसमें बता देता हूँ आपको। तो ये है इसकी वैकेंसी। तो इसकी वैकेंसी में आप देखें तो ये यहाँ पे सर्किल वाइज डिवाइड कर रखा है, और उस सर्किल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उसकी क्या लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज जैसे गुजराती है, तो इन 3 स्टेट्स में इसकी आती है। तो ये अहमदाबाद सर्किल में दे रखा है और इसकी जैसे टोटल वैकेंसी है गुजरात में 410 के आसपास। तो ये इस तरह से वैकेंसी इसकी दे रखी है और ये पिछले बैकलॉग है, मतलब लास्ट ईयर में जो फिल नहीं हो पाई उसके ये बैकलॉग्स हैं। आप देखें तो ST की 127 वैकेंसी है जो इस बार भरी जाएगी इसके थ्रू। तो आप देखें, ये अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, इसमें तेलुगु या उर्दू आपको आना जरूरी है लैंग्वेज। तो इसमें आप जिस भी सर्किल से अप्लाई करें तो उसकी लोकल लैंग्वेज जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपकी लोकल लैंग्वेज का इसमें थोड़ा सा इशू आता है, जैसे आप अभी इसमें अमरावती से तेलुगु से अप्लाई करते हैं और आपके जो मार्कशीट है उसमें आपने मतलब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही है, तो आपको तेलुगु का एक अलग से टेस्ट होगा, उसका मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, कि आपको उस लैंग्वेज में मतलब कितना कुछ आता है, रीडिंग इस अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग, उस सब का टेस्ट होगा। अगर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है हिंदी है और वही आपकी मार्कशीट में 10th और 12th की, तो उसमें उसका फिर टेस्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखिए तो ये हर स्टेट के हिसाब से, बैंगलोर में देखें तो इसकी बैंगलोर सर्किल में तो 500 के आसपास वैकेंसीज है, 565 है इसकी वेस्ट बंगाल में, बंगाल इसकी लोकल लैंग्वेज आप देखते जाइएगा जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में 40 है, 132 हिमाचल प्रदेश में है, तो इसमें सभी स्टेट्स का दे रखा है, सभी सर्किल्स का दे रखा है। दिल्ली में देखें तो 347 है, और इसमें महाराष्ट्र में देखें तो 780 सीटें हैं, असम में 300 सीटें हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ गए, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, बिहार, ये सारे पटना में आप इन सब में देख सकते हैं। आपको जिस भी स्टेट से अप्लाई करना है उस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी लोकल लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तो इसकी वैकेंसी है 8500 के आसपास, 600 हो गई, 8600 के आसपास। और ये रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल ड्राइव जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए इन्होंने एक अलग से रिक्रूटमेंट का ये इन्होंने किया है। तो ओवरऑल इस सबको जोड़ दें तो आप 8653 के आसपास इसकी वैकेंसी हो जाती है। तो इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करना है और आपको देख लेना है जिस भी रीजन से अप्लाई है वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और कौन सी, जिस भी आप कैटेगरी में हैं तो उसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसीज है, उसके हिसाब से आप लैंग्वेज चूज करके आराम से कंफर्म करके उसको भर सकते हैं। क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन उस स्टेट वाइज आपकी मेरिट निकलेगी, तो उस स्टेट वाइज में किसी की कम जाएगी, किसी की ज़्यादा जाएगी, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले काउंट होगी आपकी, होगी 31 अगस्त 2019 से, तो मतलब आपकी जो भी डिग्री है ग्रेजुएशन की वो आपकी 31 अगस्त 2019 से पहले आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में लिखा होना चाहिए पास्ट। जो ग्रेजुएशन फाइनल मेरिट वो डिग्री होती है उसके अंदर लिखा होता है पासिंग डेट, या डेट लिखी हुई होती है उसके अंदर, वो डेट इससे पहले होनी चाहिए, या फिर ये भी हो तो चलेगा।
तो इससे पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपकी इसकी एज होनी चाहिए आपकी 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो एससी एसटी ओबीसी उनको रिलैक्सेशन होता है वो रूल्स के गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा, तो इसकी काउंट होगी आपकी 1 अप्रैल 2019 से, वो होगी 31/8/2019 से एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये होगी 1 अप्रैल 2019 से। आप देखें तो इसके पेपर कैसे किस तरह से होगा तो उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसमें दो फेज़ होंगे, फेज़ वन फेज़ टू। इसमें इंटरव्यू कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो फेज़ वन में है प्रीलिम्स है मतलब छटनी करने के लिए कि ज़्यादा बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया, एक हल्का सा स्क्रीनिंग टेस्ट एक तरह से समझे। तो ये प्रीलिम्स होता है, इसके अंदर तीन सेक्शंस आएंगे इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग। तो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 30, ये सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे और जो मतलब मैथ्स के हैं उसके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 आपको मिनट मतलब मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे ईच में। और इसमें देखें तो ये बाय लैंग्वेज होंगे मतलब मैथ्स के और रीजनिंग के, इंग्लिश के इंग्लिश में ही होंगे। तो 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स ईच मिलेंगे आपको, सिर्फ इंग्लिश के ही 30 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स के हो गए और एक घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। तो आप देखें तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, 1/4 देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसमें आप देखें तो इसमें सेक्शन वाइज भी कट ऑफ जाती है और उसमें आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी जाती है, तो आपको दोनों क्वालिफाई करना है। और इसमें आप देखें जैसे इंग्लिश का आप कुछ सेक्शन कर रहे हैं, आप सोचिए कि मैं पहले रीजनिंग कर लूँ तो वो नहीं होगा, उसमें आप स्विच नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले इंग्लिश ही करनी पड़ेगी 20 मिनट, उसके बाद में आपको ये मतलब जो भी ऑर्डर उनको मिलेगा उसी ऑर्डर के आपको करना पड़ेगा, आप अपने ऑर्डर से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें आपको 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा सेकंड फेज़ के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस एग्जाम में होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल फाइनेंस और अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आ गए। तो इसको हम डेली कवर करते हैं, सुबह 7 बजे इसका लेक्चर अपलोड किया जाता है चैनल पे, तो आप उसको डेली फॉलो करेंगे तो ये सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आप सुबह 7 बजे लेक्चर देखेंगे तो कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसको 35 मिनट्स में करना है। उसके बाद में आप देखिए तो जनरल इंग्लिश होगी, उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। तो उसके बाद देखें तो मैथ्स जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगी। और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो इसके 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और आपको 45 मिनट मिलेगी। तो आप देखें तो 190 टोटल क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स के हो गए और 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके कोई भी टेस्ट सीरीज लेके आप इसकी थोड़ी स्पीड का मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश, ये हो जाती है ये हो जाती है, इनमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट से काफ़ी क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होते हैं तो वो पूरे नहीं हो पाते, काफ़ी क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो उसकी आप स्पीड की प्रैक्टिस कीजिए, प्री की भी और मेंस की भी। और आपका ये वाला सेक्शन हमारे चैनल पर हो जाएगा, 7 बजे इसका लेक्चर अपलोड किया जाता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं डेली। तो इसमें देखिए उसकी प्री की जैसे ही इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और इसमें भी वही है सेक्शन वाइज कट ऑफ जाएगी और फाइनल कट ऑफ भी जाएगी, 200 नंबर में सिर्फ कट ऑफ जाएगी और सेक्शन वाइज भी आपको कट ऑफ इसमें क्लियर करनी पड़ेगी। और इसमें आप सेक्शन वाइज स्विच नहीं कर पाएंगे कि पहले ये सेक्शन फिर वो, सीक्वेंस वाइज जो भी सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस में आपको करना पड़ेगा। तो इसमें वो एक बता रखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो अगर आपकी जो लोग जिस भी रीजन से आप अप्लाई करते हैं अगर उसकी रीजन की जो लैंग्वेज अगर आपके 10th और 12th की मार्कशीट में है तो फिर आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। बट अगर नहीं है, अगर सब्जेक्ट ऐसे नहीं है तो आपको उसके लिए अलग से एक क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको लोकल लैंग्वेज को, तो उसको अगर उसका एक टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं उसको, तो अगर उसमें क्वालिफाई होंगे तभी आपको उसमें होगा। जैसे आपने कोई तेलुगु साउथ से भरना चाहा कि वहाँ की कट ऑफ कम जाती है मैं वहाँ से फिल कर दूँ, बट उसके लिए आपको तेलुगु आनी चाहिए, उसका आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज आपके 10th और 12th की मार्कशीट में नहीं होगी। तो उसका ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में उन्होंने डिटेल बताई है। और इसके जो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपको फाइनल मेरिट बनेगी मेंस के मार्क्स पे और ये प्रोफिशिएंसी मार्क्स के, इसमें फेज़ वन के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, उसमें फेस सेकंड और ये प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगा, ये मे प्री वाले काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसमें देखिए तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें आपकी बेसिक पे तो है 13,075 रुपये, तो इसमें बट ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि किसी आप मतलब सिटी में हैं तो आपको और भी अच्छी पे मिलेगी। तो वैसे जनरली आप देखें तो 25,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी सारे अलाउंसेज मिला दें तो ये आपकी सैलरी है। और इसमें आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी आपको फॉर्म फिल करने के लिए, तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैम भाई है उनको 125 रुपये देना है और जो जनरल और ओबीसी हैं उनको 750 रुपये लगेंगे। तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ही होती है आईबीपीएस की जैसा आपको पता है। तो आपको फॉर्म फिल कहाँ करना है तो इसके लिए आपको मैं लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप खुद भी ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं sbi.co.in। ये बार बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फेक रिक्रूटमेंट्स आते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्होंने एक हेल्प डेस्क के नंबर भी दे रखे हैं, इन नंबर्स पे आप सुबह
मतलब 11 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस पर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये इन्होंने लिंक दे रखा है, तो आपके इसमें कॉल लेटर्स आ जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्री के, और इसमें जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है फोर्थ वीक ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड्स आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो उसकी आपको उन्होंने डिटेल्स बता रखी है, और ये बाय पोस्ट कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है जो आपको पहले से ही पता है। और इसमें प्रोविजन पीरियड का भी बोल रहे हैं, मिनिमम 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होता है, और उसकी ट्रेनिंग होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है प्रोविजन पीरियड के अंदर। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, बट मेनली कोई बच्चा इसमें पास मतलब फेल नहीं होता, सारे क्वालीफाई कर जाते हैं। तो आप देखें तो आपके जो कुछ सेक्शंस हैं जो मैं करंट अफेयर्स का बता रहा हूं, तो ये सारे हम इसमें कवर करते हैं। आप देखें तो इसमें सारे जो आपके MOUs हैं, जो आपके जो बैंकिंग में आते हैं करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़, जो बिज़नेस और बैंकिंग से, वो सारी न्यूज़ हम इसमें कवर करते हैं। तो आप इसको डेली सुबह 7 बजे फॉलो कर सकते हैं, और आपका एक बैंकिंग का SBI PO और क्लर्क दोनों में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसका वीकली एक हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें आपको मतलब पूरे वीक में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चंस आए, उसका आप टेस्ट दे सकते हैं। वीकली संडे को ही अपलोड किया जाता है सुबह 7 बजे ही, तो आप इसके का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी कम से कम एक सेक्शन की। तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है इसके बारे में, या कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस हमारे चैनल पे मिलती है आपको सारी करंट अफेयर्स के अपडेट, और जो भी नए एग्जाम होते हैं उनके रिगार्डिंग सारी अपडेट मिलती है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब क्या एग्जाम होंगे, कोई मतलब कोई नई वैकेंसी आती है, फिर कोई भी अपडेट होती है बैंकिंग से रिलेटेड, तो सारी कंप्लीट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।